आप सभी का दैनिक जागरण परिवार के इस मंच पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने कीमती समय में से इस आयोजन के लिए समय निकाला। इस जिले के नहीं बल्कि तीनों जिलों के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी के रूप में डीआईजी अजय सहनी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। नो डाउट इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जितना अच्छा कार्य हुआ इसकी सराहना सभी स्तर पर की जाती है, फिर भी अपेक्षा रहती है क्योंकि चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अपेक्षा इसलिए है क्योंकि चुनौतियां बढ़ रही हैं, वो चुनौतियां डिफरेंट डिफरेंट हैं, अलग तरह से हैं। चोरी के तरीके बदल गए हैं, डकैती के तरीके बदल गए, क्राइम का पूरा तरीका ही बदल गया, जैसे कि अब साइबर क्राइम ज्यादा हो गया है। उसके अलावा जो महिला सुरक्षा को लेकर था उसमें भी काफी कुछ ठीक हुआ, अभी भी और जरूरत है। वैसे ही कई बार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है या अन्य कोई इशू होता है उस वजह से हो जाती है। उसके अलावा अभी हाल ही में दो दिन तीन दिन पहले ही मुजफ्फरनगर में एक बड़ा इशू सामने आया कि टाइमर बम के साथ एक व्यक्ति पकड़ा गया, जावेद उसका नाम था, और वो बम बनवाने की जो मास्टरमाइंड थी एक महिला थी। कोई कैसे शक कर सकता है कि एक महिला बम बनवा रही है, ये भी एक चुनौती के रूप में पुलिस के सामने। तो इन सभी विषयों पर मैं वन बाय वन हमारे डीआईजी साहब श्री अजय सहनी से इस पर बात करूंगा। सबसे पहला मेरा यही कहना है कि मैं मुजफ्फरनगर को बहुत नजदीक से जानता हूं, बहुत पहले से जानता हूं। मुजफ्फरनगर को क्राइम कैपिटल कहा जाता था। आज से 10 साल पहले का जो मुजफ्फरनगर था उसमें क्राइम बहुत हाई लेवल पर था, हीनियस क्राइम, बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी। आज वो मुजफ्फरनगर आज ऐसा नहीं, आज बदला बदला सा नजर आता है। बदला बदला सा नजर इस लिहाज से आता है कि किसान रात में अपने खेत पर पहरा दे सकता है, उद्यमी कैश का ट्रांजैक्शन इधर से उधर अगर किसी गाड़ी में ले जा रहा है तो वो स्वच्छंद और सुरक्षित तरीके से ले जा सकता है। तो आपका नजरिया इसको लेकर क्या है, चूंकि आप पहले मेरठ में रहे हैं, मेरठ से सटा हुआ एरिया मुजफ्फरनगर का होता है, तो आप किन बातों को उसके लिए वो महत्वपूर्ण मानते हैं जिसकी वजह से ये माहौल परिवर्तित हुआ है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं पूरे दैनिक जागरण परिवार को इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने बेहतर कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया, और न केवल विकास से संबंधित बल्कि कानून व्यवस्था, राजनीति, अन्य सभी पहलुओं से संबंधित लोगों को अलग अलग समय सीमा में बुलाया, जनता के भी प्रश्न लिए ताकि उनकी भी जो समस्याएँ हैं उनका जवाब जा सके। अभी जैसा कानून व्यवस्था के संबंध में आपने बात किया उसमें तीन चार बिंदु समाहित थे। पहले आपने ये पूछा कि ऐसा परिवर्तन क्या आ गया जो 10 वर्ष के पूर्व जो परिस्थितियाँ थी आज बिल्कुल अलग हैं। निश्चित रूप से हमारी जो राजनीतिक लीडरशिप है, जो हमें ऊपर से क्राइम पे काम करने की छूट मिली, हमारे जो डीजीपी महोदय है, माननीय मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगणों द्वारा जो हमें सहयोग प्रदान किया गया, उससे हमें अपराध के लिए फ्री हैंड काम करने का मौका मिला। कभी भी हमें किसी भी गलत काम के लिए ये नहीं कहा जाता कि आप अगर कोई गलती है, कोई क्राइम है तो इस पर कार्रवाई ना करिए। नतीजा ये हुआ कि हम लोग फ्री हैंड काम कर पाए, समय बदला, माहौल बदला, जनता का भी सहयोग मिला, मीडिया का भी सहयोग मिला। एक घटनाक्रम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अलीगढ़ SSP रहा, उस लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से उसके बाद मैं वहाँ गया। एक गैप वहाँ ऑपरेट होता था जो बगल के किसी दूसरे देश का था, और हर दूसरे दिन के गैप पे तीन आदमी चार आदमी मारे जा रहे डकैती, और ये लगातार एक महीने तक होता रहा, कम से कम 15-16 लोग मारे गए। उस गैप पे हमने काम करना शुरू किया, मुठभेड़ हुई, चार आदमी एक साथ मारे गए। निश्चित रूप से अभी हमारा समाज ऐसा है कि वहाँ जाति को लेकर, धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर कई बार लोगों को लोग बहलाने में कामयाब होते हैं। काफ़ी कैंपेन चला, काफ़ी परेशान रहे 8-10 दिनों तक, लेकिन जो हमारे विभाग के मुखिया थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी ने खुले दिल से सहयोग किया, सारी चीज़ें क्लियर हुई, और इसका नतीजा ये रहा कि उस गैंग के मरने के बाद आज के 5-6 साल पहले वो गैंग ख़त्म हुआ। आज तक पिछले 6 वर्षों में
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डकैती के साथ हत्या कहीं नहीं हुई, पूरा गैंग खत्म हुआ। दूसरा जो पहलू आपने बताया कि अपराध के तरीके चेंज हो रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं जाकर अपराध करना, किसी की चैन स्नैचिंग करना और पैसे छीनना बहुत कठिन काम है, बनिस्पत इसके कि कहीं दूर बैठ के आदमी आसानी से साइबर क्राइम करता है, साइबर फ्रॉड करता है और कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट उसका होता है। उसका नतीजा यह है कि साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गया। उसमें हमारे विभाग में, पुलिस विभाग में पिछले 2 साल पूर्व हर रेंज में एक स्पेसिफिक साइबर थाना खोला गया था, जहाँ पर साइबर के ट्रेंड लोग थे, सारी टेक्नोलॉजी दी गई, सारे सॉफ्टवेयर दिए गए। अभी आपको हम बताएं, यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं, इसी मंथ से संभवत है माननीय मुख्यमंत्री जी और DGP महोदय ने हर जनपद में साइबर थाना खोल दिया कि केवल रेंज में नहीं होगा, और हर जनपद में साइबर थाना खोला जा रहा है, जहाँ पर ट्रेंड स्टाफ पोस्ट किया जा चुका है, सारी मशीनें दी जा चुकी हैं और हर जिले में आसानी से लोग अपनी बातें कह सकते हैं। करोड़ों रुपए हम लोगों ने लोगों के अकाउंट से जाने के बाद हमें सूचना मिली, हमने उसे फ्रीज कराया और वापस लोगों के अकाउंट में हम लोगों ने उसे दिलवाया। और ना केवल ये, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति बिहारीगढ़ या मुजफ्फरपुर रह रहा है और उसके साथ साइबर फ्रॉड हो तो यहाँ पुलिस सिटी में आए और साइबर थाने में FIR दर्ज कराए। उसके लिए ये भी सुविधा दी गई, हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क बना दिया गया, वहाँ पर ट्रेंड लोग पोस्ट किए गए, आप वहाँ पर भी अपनी शिकायत कर सकते हैं, वहाँ से स्पेसिफिक टीम, एक संबंधित टीम वहाँ से रेफर करेगी और सारे मामले टैकल किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ, बीच में मैं इस बात को थोड़ा टोक रहा हूँ, इसमें और ज़्यादा जागरूकता की भी आवश्यकता है। हम भी दैनिक जागरण परिवार भी समय समय पर स्कूलों में कार्यक्रम कराता रहता है लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि जो फ्रॉड के तरीके हैं वो इतने बदल गए। साइबर फ्रॉड में भी वो फ्रॉड करने वाला क्या कर रहा है, सिर्फ आपको ये कह रहा है कि आपके खाते में इतना रुपया पहुंच गया, करोड़ रुपया पहुंच गया। वो ये नहीं कह रहा कि आप कहीं पर कॉल कीजिए, वो कह रहा है कि सिर्फ एक लिंक को खोलिए, लिंक को खोलते ही वो उनकी सारी जानकारी को हैक कर लेते हैं। उसके अलावा भी अन्य कई, जैसे अभी हाल में मतलब अचरज होता है, मुजफ्फरनगर में भी 2-3 मामले ऐसे सामने आए, उससे पहले पंजाब में सामने आया था, एक व्यक्ति को फोन करके कहा जाता है कि तुम्हारा बेटा फला देश में है, वो वहां पर जॉब कर रहा है और उसके खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस उसको गिरफ्तार करने जा रही है, अगर आपको निपटारा कराना है तो 5 लाख का इंतजाम कर लीजिए। और वो बाप बेचारा डरता है, डर के, इसमें एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगा, वह वॉइस क्लोन बनाते हैं या क्या करते हैं, उसके बेटे की आवाज में किसी व्यक्ति की बात भी करा देते हैं कि हाँ पापा मैं परेशान हूँ, तो इनको कैसे रोका जा सकता है? जी निश्चित रूप से जो आपने बोला, जागरूकता बहुत जरूरी है और दैनिक जागरण के बहुत सारे कार्यक्रम में, ना केवल यहाँ बल्कि अलीगढ़, मेरठ, कई जनपदों में हमने अटेंड किया, प्रश्न बाहर भी हुए जहाँ जनता के भी प्रश्न आते थे और लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास आपके ग्रुप के द्वारा भी किया गया, पुलिस द्वारा भी किया जा रहा है, हमारी टीमें स्कूलों में जाती हैं, लोगों को बुलाती हैं, जब भी समय मिलता है हर जगह जाकर जागरूक करते हैं। और जैसा कि अभी आपने 2 तरीके बताए, पहला तरीका जो आप बता रहे हैं कि केवल लिंक भेजते हैं और उस लिंक को आप क्लिक करिए, उसके बाद आपकी जानकारी चली जाती है, एक्चुअल है क्या, सॉफ्टवेयर, जब भी आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी मोबाइल है उसकी जितना डेटा है वो सारी चीज़ें कॉपी हो जाती हैं दूसरी मोबाइल में, वहाँ से आपकी मोबाइल ऑपरेट कर सकता है, आपके मोबाइल पे कोई OTP अगर आती है तो सेम OTP उस मोबाइल पे ही जाएगी। दूसरा जो आप बता रहे हैं वो चैलेंज इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि अब साइबर क्राइम और एडवांस हो गया है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, AI के माध्यम से किसी की आवाज़ किसी को की जा सकती है। सपोज करें किसी भी व्यक्ति के घर उसके बेटे का फ़ोन आ जाए अचानक कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, बड़ी बुरी स्थिति में हूँ, तुरंत डॉक्टर साहब के अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो आदमी फिर उसको कंफर्म नहीं करता है, अगर आवाज़ आकर फोन आ गया किसी भी नंबर से तो वो तुरंत उस चीज़ को ट्रांसफ़र करता है। जी बिल्कुल। एक चीज़ और है कि अब तो अगर मुझे यहाँ माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, अगर मुझे आपसे बात करनी है विधायक जी की तरफ से तो मैं विधायक जी के नंबर से ही मैं आपको कॉल कर दूंगा, आपको लगेगा कि ये बात करना चाह रहे हैं, आपको मैं व्हाट्सएप मैसेज डाल दूंगा, वो मैसेज आप पे जाएगा, आप समझेंगे कि वो कोई अन्य बात कर रहा है और जो मैं चाहूँगा मैसेज से वो मैसेज ड्राप करके वो चीज़ें मैं आपसे करवा सकता हूँ। जी बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा है, जो सारे चेंजेस की आप बात कर रहे थे, निश्चित रूप से कोविड जैसी त्रासदी सदियों में कभी आती है और शायद ही किसी ने देखा हो, किसी भी जीवित व्यक्ति ने जो अब तक दुनिया में है ऐसी त्रासदी नहीं देखी होगी अपने जीवन में इसके पहले। इस पूरी त्रासदी ने पुलिस की पूरी छवि बदल के रख दी। इस पूरी त्रासदी में कोविड के पुलिस ने इतना बेहतरीन काम किया, बहुत बेहतर तरीके से लोगों को खाना पहुंचाना, लोगों को इलाज कराना। इत्तेफाक से उस समय मैं मेरठ में था,
तो देहरादून से, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से, शामली से, बुलंदशहर से, सारी जगह के लोग मेरठ की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि मेरठ एक मेडिकल हब था, वहाँ लोगों को मेडिसिन मिलती थी, बाकी चीज़ें होती थी। वहाँ हमारे पुलिस फोर्स के, हमारे जवानों की मेहनत ऐसी रही, जब पहली डेथ हुई, शुरुआत के 3-4 डेड बॉडी में परिजनों ने डेड बॉडी ही नहीं उठाई, पुलिस उस बॉडी को ले गई, पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कराया, पुलिस वहाँ पूजा पाठ करने वाले को लेके आई। तो इस पूरे क्रम में हमारी फोर्स ने जितना बेहतरीन काम किया, उसमें पुलिस फोर्स की काफी हद तक छवि को बदल दिया। बहुत धन्यवाद डीआई साहब। एक सवाल और इसमें मैं आपसे लेना चाहूंगा, जैसे साइबर क्राइम को लेकर के हमने बात कही, वैसे ही मेरठ में रहे तो आप सोतीगंज को जानते रहे, वाहनों का कमेला उसको कहा जाता था, अलग अलग जिले की अलग अलग क्रिमिनल स्थिति है, जैसे सहारनपुर है, तो सहारनपुर में जो मादक पदार्थ, मतलब कि जो नशीला पदार्थ है, उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा, उसकी चेन कभी बरेली से बताई जाती है, तो कभी नेपाल की बताई जाती है, अलग अलग जगहों से, लेकिन उसको ओवरऑल अगर देखा जाए तो सहारनपुर इससे बदनाम होता है, और सिर्फ सहारनपुर नहीं, शामली, मुजफ्फरनगर, तो जो मादक पदार्थ के जो सप्लायर हैं, नशे के सौदागर हैं, क्या इनके खिलाफ कोई बड़ा मुहिम, बड़ी कोई बड़ी कार्रवाई, कोई प्लान जिसको लेकर आप कर रहे हो प्रयास, ताकि समाज में एक अच्छा निर्माण हो सके, जो नशा जीवन को बर्बाद कर देता है? जी डीआई साहब जी, जहाँ तक आप मादक पदार्थों के संबंध में बता रहे हैं, निश्चित रूप से सहारनपुर की एक बड़ी समस्या है, बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो इनको लेते हैं, और अभी आपने सुना होगा मीडिया में, आपने पेपर में भी छापा था, 10 दिन पहले किसी एक कॉलेज में पढ़ने वाला कोई एक विदेश का बच्चा था, जो ड्रग का एडिक्ट था, और अपने कमरे में रहा, उसको ड्रग्स नहीं मिले, उसकी डेथ हो गई। तो ये तो ऐसी चीज़ है जो पूरी की पूरी पीढ़ी को ख़त्म कर रही है। इसके लिए जो हम लोग अभियान चला रहे हैं, वो पूरे रेंज में हम लोग चला रहे हैं, सभी जिलों में। इसके पीछे मेन ये है कि अभी तक जिनको पकड़ा जाता था, वो लोग होते थे जो कि कैरियर होते थे, ड्रग्स लेके आ रहे हैं, उनको पकड़ा गया, जेल भेजा गया। अब हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष का एक डेटा कलेक्ट करवाया, हमने पिछले 5 वर्ष में जितने भी लोग पकड़े गए हैं, उन सबसे हम लोग फिर से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ करने के बाद ये लाते कहाँ से थे, बेसिकली मंगाने वाले और सप्लाई करने वाली जो चैन है, जब तक वो नहीं टूटेगी, तब तक बीच बीच में कैरियर पकड़े जाते रहेंगे और दूसरा कोई काम करता रहेगा। और इसके लिंक बिहार से भी मिल रहे हैं, नेपाल से भी लोगों को हम लोग पकड़ रहे हैं, बरेली के लोग भी आ रहे हैं, इसमें बेहतर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमारी जो पूरी पुलिस टीम है, उनको हमने बताया है, जब खुद मेरे द्वारा भी समय समय पर, जब भी हम स्कूलों में किसी कार्यक्रम में जाते हैं, किसी मंच पे होते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ बच्चों को इसकी बुराइयाँ क्या है उसके बारे में बताते हैं, अवेयरनेस इसके खिलाफ कैसे होना चाहिए वो बताते हैं, गार्जियंस को हम लोग बताते हैं कि वो भी बच्चों को ध्यान दें, बच्चों को समय दें, बच्चे अपने आप को अकेला महसूस ना करें। माँ बाप जब दोनों जॉब करते हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि अपनी मजबूरियों की वजह से और समय की कमी की वजह से बच्चों को अकेलापन फील होता है, जो उनको एक बुरी संगत की तरफ ले जाता है, और हर बुरी संगत का एक जो मेन बात होता है, वो लोगों को और बुरा करता है। इसलिए बच्चों को समय दें, उनसे बात करें, और बाकी जो अपराधियों के प्रति कार्रवाई है वो हम लोगों पर छोड़ दें, वो हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। एक अंतिम सवाल और आप ही से लूंगा मैं, सेफ सिटी योजना को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे हमारे रेंज क्षेत्र में, तीनों जिले में क्या कुछ होने वाला है, कैमराज जैसे यहाँ पर सहारनपुर तो चूंकि स्मार्ट सिटी पर भी उसमें भी शामिल है, बहुत सारे सीसीटीवी वहाँ पर लगने हैं, क्या मुजफ्फरनगर के लिए और शामली के लिए भी ऐसी कोई योजना है पुलिस विभाग की तरफ से भविष्य को लेकर? जी, इस संबंध में हम आपको बता दें कि इसमें ऑपरेशन त्रिनेत्र हम लोग के द्वारा पिछले 2 महीने से चलाया जा रहा है, और जो हमारे यहाँ सेफ सिटी योजना के तहत कैमरे लग रहे हैं, इवन सहारनपुर में वो तो लग ही रहे हैं, इसके अलावा पुलिस द्वारा और अन्य लोगों के सहयोग से भी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में पिछले 2 महीनों में 2 लाख से ऊपर कैमरे लगाए जा चुके हैं इस अभियान में, और हम लोग पूरे की पूरी चीज़ों के इसके माध्यम से कवर कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं से संबंधित मामलों को देखने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क खोला गया है, जिसमें ट्रेंड महिला कर्मचारी 24 घंटे रहती है, वहाँ उनको कंप्यूटर दिया गया है, अन्य सुविधाएँ दी गई है, स्लिप महिलाओं को दी जाएगी, अपनी समस्याएँ बताएंगी, उनका डिस्पोजल करके उनको बताया जाएगा।
साथ ही 1090112 चल रही है। अब किसी भी व्यक्ति को वो समस्या खत्म हो गई कि हम थाने जा रहे हैं, पुलिस हमें अटेंड नहीं करती, हमारे रेंज में कोई फोन करता है तो मैक्सिमम 6 से 7 मिनट का एवरेज है, पुलिस फोर्स घर पहुंच जाती है, आपको थाने नहीं जाना होता, उसके बाद जो अगली कार्रवाई होती है शायद उसके लिए जाना पड़े। तो अब लोगों की ये शिकायतें भी खत्म हो गई कि पुलिस हमें अटेंड नहीं करती है। बहुत धन्यवाद डीआई साहब, तालियां हो जाए डीआई साहब के लिए। धारा प्रवाह प्रश्नों का उत्तर धारा प्रवाह तरीके से उन्होंने दिया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इस कड़ी में, और हमारे साथ मौजूद हैं सेवानिवृत्त डीएसपी श्री ओमपाल सिंह जी, उनसे मेरा एक सवाल यह होगा, जब तक वो सेवा में रहे तब के उनके अनुभव, उस समय की पुलिसिंग और वर्तमान जो पुलिसिंग है उसमें वो क्या परिवर्तन देख पाते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या उनका विचार है जी? सबसे पहले तो मैं अपने डीआई साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो इस समय पुलिस की कार्य प्रणाली चल रही है उसके बारे में बहुत गहनता से बताया, और जो मैं देख रहा हूँ जिस समय मैं सेवा में था 2.5 साल हो गया लगभग, उस समय की पुलिस और अभी 2.5 साल में जो परिवर्तन हुए हैं पुलिस के बेहद सराहनीय है। और मैं गांव के बीच में रहता हूँ, यही गाँव है मेरा लोगों के पास, और मैं गतिविधि देखता हूँ कि पुलिस की पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव पुलिस हो गई। दूसरा, हमारे जो 112 नंबर है, 112 नंबर का बेहद बेहतरीन काम, क्योंकि उसको 12 मिनट के अंदर जो उसको क्षेत्र दिया गया है अपना स्थल पर पहुँचाते हैं, ये मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। दूसरा, 112 की जो कंप्लेंट होती है हमारे थाने या थाना अध्यक्ष, बहुत देर में बाद में पता चलता था, पहले जो है उसके हल्का इंचार्ज को भेजते थे, तब वो सूचना आती थी, तब उसमें जो है FIR दर्ज होती थी। अब क्या है, अब 112 जाती है, पूरी जांच करके दे देती है, और वहाँ का हल्के का जो इंचार्ज होता है वो उसकी सूचना पे वहाँ जांच करके और तुरंत FIR दर्ज होती है। अभी तक मेरा तो गंगो थाना है, मैं देखता हूँ कि बराबर इतना अच्छा काम कर रहे हैं पूरे बीच में रहूँगा, यदि नहीं भी जा रहे हैं थाने तो ऑनलाइन भी FIR हो, ऑनलाइन भी FIR हो जा रही है। और पहले जो पुलिस थी वो एक तो कम पढ़ी लिखी होती थी हमारे ज़माने, मैं तो BSc करके रामपुर से भर्ती हुआ था, और विभिन्न हर तरह की पुलिस में रहा हूँ सर, NSG में रहा हूँ, SPG में रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री के CSO रहा हूँ, और बहुत जगह मैंने काम किया। लगभग 10 साल के अंदर हम भी रहे उसमें, डीआई साहब का मैंने कार्यकाल देखा, मुरादाबाद भी रहे, वहाँ भी रहे, मैं देखता रहा, एक नाम सुनता रहा। हमारे यहाँ इस जिले में जो इस समय टीम, वो ऐसी टीम मैंने कहीं नहीं देखी, इतना कोऑपरेशन आपस में, एक दूसरे की वो सम्मान करते हैं। दूसरा, इस जिले की लैंड ऑर्डर इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की है, और ये बहुत बड़ी खुशी हम लोगों के लिए है कि हम उसी बात से सेवानिवृत्त हुए हैं और आज हमारे जिले का नाम इस तरह से घूम रहा है। और हमारे डीआई साहब, इनके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ मैंने देखा है, एक कर्मठ और निष्ठावान आदमी है जो हमेशा हमेशा समस्या अगर गए थे तो सोलो। अम्पा जी, एक सवाल और आपसे कर लूंगा, अनुभव के तौर पर आपका एक लंबा अनुभव है, आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, क्या पुलिस की जो संख्या बल है या थानों की जो संख्या है, क्या आप मानते हैं कि जनता की जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग वो पुलिस की अभी कमी है या नहीं है? हाँ, अभी कमी है, भर्ती चल रही है। मैं ये प्रार्थना करना चाहूंगा अपने शासन से कि जनता के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग हमारी पुलिस व्यवस्थापित की जाए, और जो ये भर्ती इकट्ठी दे रहे हैं 3-4 साल के बाद, ये हर साल भर्ती होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद ओमपाल जी से हमारी बात हो रही थी। अब मैं बार संघ के अध्यक्ष, चूंकि अपराधी अपराध कर देता है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, और फिर अंत में पहुंचते हैं वो बार में, मतलब कि न्यायालय में। अब न्यायालय की जिम्मेदारी बनती है कि जो वास्तव में अपराधी है उसको सजा मिल जाए और जो निर्दोष है वो छूट जाए, तो आप पुलिसिंग को लेकर या विवेचना को लेकर क्या अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे राजीव गुप्ता जी,
जो बार संघ के अध्यक्ष हैं कि जो रियल अपराधी हैं, जो वास्तविक अपराधी है, उसको सजा मिले। वकील जो हमारे होते हैं वह भी वैसे तो वो दोनों साइड से मुकदमे लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक भाव ये रहता होगा कि जो निर्दोष है उसको तो बचा लिया जाए, लेकिन जो जेन्युइन अपराधी उसको सजा मिलनी चाहिए। तो इसमें आपका क्या अनुभव कहता है कि विवेचना का पार्ट और अपराधी को सजा दिलाने में कैसी भूमिका रहनी चाहिए या रहती है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने इस मंच पर सौभाग्य दिया अपनी बात रखने का। दैनिक जागरण के संवाद कार्यक्रम में जो प्रश्न मेरे सामने रखा गया है बहुत ही ज्वलंत समस्या से संबंधित है। मैं चूंकि अभी कुछ समय पहले तक सरकारी विभाग का अधिवक्ता रहा हूँ, मैं DGC क्रिमिनल रहा हूँ, तो मैंने सरकार के कार्य को बहुत नज़दीक से देखा, खासतौर से पुलिस महकमे की जो कार्यवाहियाँ रहती हैं अपराध को कम करने के लिए, वो किसी भी नज़रिए से उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज जाए कि अपराधी को पकड़कर उसको उसकी अंजाम तक यानी कि सजा तक पहुँचाने की जिम्मेदारी है। कहीं कहीं हमारी जांच एजेंसियाँ इस मामले में कमज़ोर पड़ जाती हैं कि हमने चार्जशीट फाइल कर दी, हमारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन अब जब जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, DIG महोदय के निर्देशन में हमारे SSP साहब और जितनी भी पुलिस टीम है, उनका उद्देश्य यही है कि जिस दिन केस रजिस्टर्ड होता है और जिस दिन उस केस का फैसला सुनाया जाता है, तब तक केस पर पकड़ बनाकर रखी जाए। और पुलिस की पकड़ तभी होती है जब जांच अधिकारी अपने गवाहों को मजबूती से कोर्ट के अंदर पेश करते हैं, उसके बाद ही किसी भी मामले में उसको प्रॉपर सजा मिल सकती है। जहाँ तक सजा ना मिलने का प्रश्न है, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारी शासन की और ये मंशा रहती है कि 100 अपराधी छूट जाएं, एक भी निर्दोष को सजा ना। तो ये जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए कई बार ऐसा हो जाता है कि न्यायालय भी उस श्रेणी तक नहीं जा पाते हैं जहाँ तक कि न्यायालयों को जाना चाहिए। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि हमारी सहारनपुर क्षेत्र में तो खासतौर से जो महिला सुरक्षा को लेकर आपने एक प्रश्न उठाया था, उससे रिलेटेड जितने भी कार्य हो रहे हैं, हमारे यहाँ 3 पॉक्सो कोर्ट काम कर रही है, हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अलग कोर्ट काम कर रही है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जो 498A के मामले हमारे यहाँ रहते हैं, खास तौर से दहेज उत्पीड़न से संबंधित, उस पर भी महिला थाना बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करता है, जिससे कि परिवारों में टूटन ना बढ़े, समझौते बढ़े। तो ये बहुत अच्छे प्रयास रहते हैं। यहाँ तक कानून की मंशा है, कानून तो अपना काम करता रहेगा और कर ही रहा है, अधिवक्ताओं का भी एक कर्तव्य है, उसको साथ साथ लेकर चलना होता है। यदि कोई अधिवक्ता अपने क्लाइंट के लिए कार्य नहीं करता है तो ये उसके पार्ट पर कमजोरी मानी जाती है। अगर वो बचाव पक्ष की तरफ से खड़ा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसके बचाव मजबूती से करे। ये जरूर है कि जो क्रिमिनल है उसको सजा मिलनी चाहिए, ये एक पूरे समाज के लिए एक अच्छा मैसेज आता है। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करता रहे तो सभी समाज बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। जी राजीव जी, इसमें जो आप सजा के संबंध में पूछ रहे थे, उसमें एक मैं पॉइंट बताना चाहूँगा। पिछले 3 महीने से उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ये है कि हम लोग टॉप प्रायोरिटी की जो केसेज हैं, जो गंभीर मामले हैं, जो बच्चियों संबंधी अपराध हैं, वो 500 एक्ट के हैं, लूट कोई है, डकैती है, गंभीर जितने भी अपराध हैं उनको हम लोग प्रायोरिटी बेस पे चिन्हित करते हैं और डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग और पैरवी होती है। इसके लोगों को घर से ले आना, गवाही कराना, सारी चीज़ें सुनिश्चित कराना, न्यायालय से डेली बेसिस पे तारीखें लेना। इसका परिणाम ये है कि पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जितनी सजा हुई है उतनी पिछले 10 वर्षों में जो सजा थी उससे ज़्यादा हुई है, और तालियां बनती हैं इसके लिए। सहारनपुर के लोगों को एक खुशी इस बात की और होगी, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट है सजा दिलाने में, उसमें सहारनपुर 3रे नंबर पे और मुजफ्फरनगर 5वें नंबर पे है। मैं भी उस समय DGC क्रिमिनल था तो मुझे बड़ा अच्छा सौभाग्य मिला था सर के साथ कार्य करने का। इसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, सामाजिक दायित्व की बात हो रही थी, जागरण ही करने का प्रयास कर रहा है, सामाजिक जागरण। शुरुआत में पद्म श्री भारत भूषण जी ने भी यही बात कही थी।
तो वैसे तो किसी भी पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवा उनको मुहैया कराती है, लेकिन बार संघ की तरफ से भी एक प्रयास ऐसा हो जाए कि गरीब किसी के साथ कुछ घटना होती है, रेप विक्टिम है और बाद में यह कहा जाता है कि मुकदमेबाजी में बहुत पैसा लग गया, वैसा ना हो, एक प्रयास बार संघ की तरफ से भी अगर हो जाए कोई पीड़िता जेन्युइन जो पीड़िता है उसके मुकदमे के लिए कि कोई उस पर बर्डन ना हो उसका, ये बाद में ना कहे कि मकान बेचना पड़ गया मुकदमा लड़ने के लिए या कुछ ऐसा करना पड़ गया नारी शक्ति के लिए। जी आपका बहुत अच्छा सुझाव है, मैं बार संघ के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूँ इस जागरण के मंच पर कि हम इसके लिए निश्चित तौर पर कुछ अच्छा प्रयास करेंगे, खास तौर से महिलाओं के संरक्षण के लिए, क्योंकि आधी भागीदारी हमारे पास महिलाओं की है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम इस पर अच्छे तरीके से विचार करें और उनको न्याय दिलाने के लिए अपनी सहभागिता और बढ़ाएं। जी बहुत धन्यवाद, समय की बाध्यता है, हालांकि मुझे भी इशारा हुआ नहीं है और बातें मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम के अनुसार मैं क्रॉस कर गया हूँ, लेकिन एक सवाल और ले लेता हूँ, डीआई साहब से बात करने में थोड़ा और अच्छा मिल रहा है, जानकारी अच्छी मिल रही है। डीआई साहब एक अभियान और चल रहा है, एक अभियान की बात तो आपने कह ही दी ऑपरेशन कन्विक्शन, लेकिन एक अभियान और चल रहा है ऑपरेशन लंगड़ा, तो पिछले एक साल में कितने लोग लंगड़े हो गए हैं इस हमारी रेंज में, और इसके अलावा इन तीनों ही जिले का कोई बड़ा माफिया जो समाज में आपराधिक कृत्य या अवांछनीय गतिविधियां करके अकूत संपत्ति इकट्ठा कर रहा है, ऐसे एक कोई माफिया नहीं कई लोग हो सकते हैं, वह भी आपके टारगेट पर हैं, उनके खिलाफ क्या आगे हम देखेंगे क्या होगा, उसके अलावा चुनाव को लेकर अभी सीए को लेकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बात बयान भी आया था कि चुनाव से पहले हम लागू करेंगे, तो उसके बाद का जो माहौल है जो सिनेरियो है वह चेंज हो रहा है, या हल्द्वानी जैसी घटना होती है उसके बाद फिर आसपास में तनाव होता है, तो उसको लेकर क्या तैयारी है पुलिस की रेंज में इसके बारे में आप बताइए। मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दे दे रहा हूँ, जहाँ तक माफिया के संबंध की बात है, पूरे रेंज में पिछले एक वर्ष में 1800 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जब्त की गई है जो अवैध तरीके से माफियाओं द्वारा कमाई गई थी, जनपद सहारनपुर के भी माफिया उसमें चिन्हित है, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाइयाँ की गई, अभी फरार है उस पर भी बहुत सारी कार्रवाई प्रस्तावित है, मुजफ्फरनगर में भी इस प्रकार के माफिया चिन्हित हैं, और जितने भी माफिया हैं इनके खिलाफ जो केसेज हैं उन केसेज की पैरवी भी हम लोग कर रहे हैं, और ना केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हमारी टीमें उनके अगेंस्ट पैरवी कर रही हैं। दूसरा, चुनाव के संबंध में आपने पूछा, तो चुनाव के संबंध में हमारी तैयारियां पूरी हैं, सारी बेसिक वर्क हमारी टीम चुनाव के संबंध में कर चुकी है, फोर्स आएगी तो कहाँ रुकेगी, चुनाव कराने के बाधक तत्व तो कौन कौन से हैं, वल्नरेबल जगह कौन से हैं, वल्नरेबिलिटी के कारक कौन कौन से हैं, वल्नरेबिलिटी के कारकों के कार्रवाई क्या होनी है, गुंडा कौन से हैं, जिला बदर किन्हें करने हैं, गैंगस्टर की कार्रवाई, लगभग हमारी पूरी कार्रवाई चुनाव की पूरी है, सारी जिलों में टीमें हमारी चुनाव की काम कर रही हैं, पुलिस स्टेशन में अलग अलग चुनाव विंग हैं जिन्हें पता है करना क्या है, और चुनाव के संबंधी में बहुत सारी बैठकें हम लोग कर चुके, अभी 5 राज्यों की बैठक सहारनपुर में पिछले सप्ताह 2 सप्ताह पहले ही हम लोगों ने की थी, हरियाणा पंजाब दिल्ली उत्तराखंड के ऑफिसर से यहाँ आए थे, चुनाव के संबंध में अंतर्राज्यीय मीटिंग भी उसमें की गई है, तो चुनाव निष्पक्ष तरीके से बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए यहाँ की पुलिस कटिबद्ध है, वो हम लोग जरूर कराएंगे। एक प्रश्न आपने पूछा अपराधियों की कि एक वर्ष में कितने को गोली लगी है, कितने को पैरों में गोली लगी है, देखिए कभी भी पुलिस जानबूझकर किसी को गोली नहीं मारती है, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि जब भी पुलिस फोर्स पे किसी व्यक्ति पे अटैक होता है, इवन प्राइवेट व्यक्ति हो उसको भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, जब भी हमारी फोर्स पे कोई गोली चलाएगा या किसी जनता पे हमारे सामने गोली चलाएगा तो निश्चित रूप से पुलिस उसका जवाब देगी और इसी तरह देगी। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम तो कोशिश करते हैं कि अपराधी जो हो उसके पैरों में गोली लगे उसकी जान ना जाए, पर कई बार ऐसा भी होता है कि लगातार दूसरी तरफ से फायरिंग होती है, मजबूरन पुलिस की गोली कभी सीने में भी लग जाती है, कभी सर में भी लगती है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, और जो हमें पुलिस की ट्रेनिंग दी गई है इसी संबंध में दी गई है, हमारे बेसिक काम दो ही है, कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराध समाप्त करना, वो पूरी टीम हमारी लगातार करती रहेगी। जी जी साहब बहुत बहुत धन्यवाद।